डेयरी फार्म है जो कि सिकंदराबाद में स्टेबल है, बुलंदशहर जी। अभी मेरे पास अप्रोक्स 200 एनिमल्स हैं, प्रोडक्शन अप्रोक्स 1800-1900 लीटर हो रहा है। अच्छा, 200 मिल्किंग में 1800 के आसपास, 200 ऑल ओवर हर साइज है। ओके, बढ़िया है फिर। ये सर अपनी हीपर है। अच्छा, अभी के सामने इसमें कुछ इनोवेशन इंडीवर और मोस्टली इसमें हॉट स्टार, अर्माडा एंड स्ट्राइकर, ये सब सारी ABS की है जी। इससे सारी बछड़ियाँ ABS की हैं। ये जो बछड़ियाँ हैं अभी अप्रॉक्स 6 मंथ की हैं, आगे 0-3 की हैं। सब मंथ वाइज देख, मंथ वाइज ग्रुप। ये हैं इसमें आपके अर्माडा, स्ट्राइकर और ब्रूट सेक्सर। अच्छा, अभी नेक्स्ट में क्या प्लान है, कौन से बुल लेने का? में स्ट्राइकर का और ब्रूट सेक्सर का प्लान है बछड़ियों में, अर्माडा गायों में। ओके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपनी हाई लेग फीडिंग गाय हैं, इनकी अभी फीडिंग हो रखी है, बिल्कुल हो रखी है। अच्छा, और अभी आपने क्या क्या लगा दिया है इसमें? अभी मैंने स्ट्राइकर लगाया है, अर्माडा लगाया है और ब्रूट सेक्सर। ओके, इसकी बछड़ियाँ कुछ आ भी हैं, ब्रूट सेक्सर की बछड़ियाँ भी हैं, स्ट्राइकर भी है, अच्छा, अर्माडा भी है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा उधर। ओके, और बाकी अभी हीपर्स में सेक्सीमेन का प्रोग्राम कब का है आपका? हीपर मेरी अभी तैयार है तो अक्टूबर से मेरा लगना चालू हो जाएगा। ओके, और कब से आप सीमेन स्टोर करेंगे फिर? उसके लिए तो पहले से ही प्लान, सेप्टेम्बर से हम लोग स्टोर करना है, सेप्टेम्बर में प्लानिंग रहती है। अच्छा, और अक्टूबर में हमारा, अक्टूबर लास्ट से अपना लगना चालू हो जाएगा। तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं किसानों को? किसानों को बोलूँगा कि जीनोमिक पे ज़्यादा काम करिए आप, अभी जब तक ब्रीड नहीं रहेगी आपके पास तो आपको एनिमल नहीं, जैसे प्रॉफिट जो लेना होता है ब्रीड से ही लेना होता है, जब गाय दूध ही नहीं देगी तो प्रॉफिट हम कहाँ से लेंगे। सेक्सीमन की अगर मैं बोलूँ, जैसे बछड़ा हम लोग पैदा करते हैं तो बछड़े का हमारे यहाँ अभी यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था बट अभी यूज नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सेक्सीमन का ही ज़्यादा यूज करें जिससे कि बछड़ियाँ आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम।